हेलो बच्चों, आप सब जानते होंगे कि जो एएलपी का एग्ज़ाम हुआ था 21 तारीख, 22 तारीख को और 23 तारीख को, उसका जो आंसर किया है वो आज आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग किस तरह से उसको देख सकते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे अपना आंसर के डाउनलोड कर सकते हैं। पहला तरीका है, आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है RRBALD, आप उसमें क्लिक करके रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के कर सकते हैं। या तो जिन बच्चों का अपना अपना जोन है, जो बच्चे मुंबई जोन से भरे हैं वो मुंबई जोन का ऑफिशियल साइट खोलिएगा लेकिन 1 बजे के बाद, और जिनका रांची बोर्ड है वो रांची बोर्ड ऑफिशियल खोलिएगा, ठीक है, 1 बजे के बाद। तो इन सभी का जो है रिजल्ट वहाँ पे जो आपका आंसर किया है वो शो करेगा, ठीक है। और एक तरीका है जो मैं बता रहा हूँ, आप वहाँ से भी डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को सरकारी रिजल्ट अपने गूगल में सर्च करना है, और जो सबसे फर्स्ट में आपको दिखाई देगा sarkaririzult.com, उसमें आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है, वहाँ पे एक लेफ़्ट साइड में आपका आंसर की लिखा होगा। देखिए, फर्स्ट में MP हाई कोर्ट का आंसर की है, सेकंड में RRBALP टेक्नीशियन सेकंड स्टेज का आंसर की दिया हुआ है, आपको उस पर क्लिक करना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए आप एकदम नीचे की आते आइए, नीचे में लिखा हुआ है डाउनलोड आंसर की, तो डाउनलोड आंसर की जहाँ पे लिखा हुआ है आपको वहीं पे क्लिक करना है, ठीक है। लेकिन ये लिंक आपका तभी काम करेगा जब इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से ये खुल जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है डाउनलोड आंसर की पे क्लिक करना है। देखिए, अभी आ रहा दो लॉग इन फ्रॉम, ठीक है, बिटवीन, तो ये जो है वो 1 बजे के बाद से यहाँ पे हट जाएगा। अगर आपका सर्वर सही रहा तो आप 1 बजे ही आपका जो लिंक है वो आपको आंसर की वहाँ मिल जाएगा, और अगर